छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारायणा अस्पताल में। लंबे वक्त से वो भर्ती थे, उनके दिमाग को एक्टिवेट किए जाने की कोशिश की जा रही थी, वेंटिलेटर पे थे, लगातार ऑक्सीजन उनको दिया जा रहा था। और जिस तरह से, क्योंकि अजीत जोगी एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज से लड़ते हुए वो जिंदगी और मौत के बीच जो जंग जो रहा करती थी वो हर बार जीत जाया करते थे, इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अजीत जोगी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दुखद खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई JCCJ, उसके कर्ता धर्ता वही थे, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे IAS ऑफिसर। और किस तरह से राजनीति में अपना परचम लहराया जा सकता है उसका जीता जागता उदाहरण थे अजीत जोगी। और जो गमछा वो अपने गले में डाला करते थे वो गमछा उनकी पहचान बन गया था, और वो गमछा अजीत जोगी गमछा के नाम से भी बाजारों में बिकने लगा था। तो बड़ी और दुखद खबर, वैभव पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, एक दुखद खबर जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री हम सबको छोड़कर चले गए। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही दुखद खबर है। एक ऐसा राजनीतिक जो है व्यक्तित्व खोया है आज छत्तीसगढ़ वासियों ने, जिसका कद समूचे देश में रहा है। और अजीत जोगी का जाना निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति को शून्य पैदा कर देना, इस तरीके से आप मान सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हर मोर्चे पर अपने आप को साबित किया, उस व्यक्ति का चला जाना निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत कमी है, बहुत बड़ी क्षति है। इस वक्त मेरे साथ अजीत जोगी के एक ऐसे जो है समर्थक, एक ऐसे नेता कार्यकर्ता मौजूद है जो कि उनके साथ शुरुआती दौर से रहे, अरुण तिवारी, जो कि बेलतरा से पूर्व विधायक रहे हैं। अरुण तिवारी जी, अजीत जोगी का जाना इस वक्त में जाना जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है छत्तीसगढ़ की राजनीति को, जरूरत थी। राजनीति में हर शख्स सिफारिशों पे आता है, एक अकेले अजीत जोगी को मैं जानता हूँ जो अपनी योग्यता के बल पे आए थे। राजीव गांधी जी ने उनको पसंद किया था, अर्जुन सिंह जी ने उनको पसंद किया था, कलेक्टर इंदौर को राज्यसभा की टिकट दी गई थी, मैं उस समय विधायक था और मैं ही उनके नॉमिनेशन पेपर मैंने दस्तखत किया था। वो राज्यसभा का सदस्य जो जंगल जंगल भटका, पदयात्रा किया, बस्तर से लेके छत्तीसगढ़ गांव गांव में घूमा और अपनी मेहनत पे वो मुख्यमंत्री बने, अपनी मेहनत में उन्होंने सारे काम किए, वो आदमी सिर्फ योग्यता के नाम पे जाने जाते हैं, मेहनत के नाम पे जाने जाते हैं, अपनी चतुर बुद्धि के नाम पे जाने जाते हैं। आपने दिल्ली में जब तक वो रहे प्रवक्ता, कांग्रेस का चेहरा अजीत जोगी थे। अफसोस यही है, कांग्रेस के चेहरा अजीत जोगी, आदिवासियों के चेहरा अजीत जोगी, गरीबों के चेहरा अजीत जोगी, आज वो हमारे बीच में। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि पर मैं अस्पताल में हूँ, अगर मैं बिलासपुर में रहता तो मैं यकीन भी नहीं कर पाता, मैं अस्पताल में हूँ। बड़ी पुरानी यादें। बिल्कुल, तो अरुण तिवारी जी की अपनी एक यादें हैं अजीत जोगी के साथ, और सहसा वाकई में जो भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है उन्हें ये विश्वास हो सकता है, लेकिन जो बाकी अलग अलग क्षेत्रों में जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि अजीत जोगी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल, बाकी मैं मोहन मरकाम भी पहुंचे हुए हैं जो कि इस वक्त अस्पताल के अंदर है जी। ये जो वैक्यूम अब जो अजीत जोगी के जाने से न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति, खासतौर से पूरे देश की राजनीति में अब जो आ गया है, इसको कौन भरेगा, कौन है विकल्प? देखिए, अजीत जोगी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
कम से कम छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में दूसरा कोई अजीत जोगी पैदा नहीं हो सकता, उसके आसपास भी कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो कि अजीत जोगी की छवि लेकर के मैदान पर आए। अजीत जोगी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ जो है प्रशासनिक दक्षता में अपने आप को साबित किया, बल्कि जब वो राजनीति में कदम रखे तो उन्होंने राज्यसभा से लेकर लोकसभा और जो है छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री तक की उन्होंने कमान संभाली, और न सिर्फ जो है वहाँ पे कमान संभाली बल्कि जब उनको लगा कि अब जो है वो कांग्रेस से इतर अपने आप को भी साबित कर सकते हैं, तो देखिए 2018 के चुनाव में वो अपनी पार्टी के साथ आते हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ और वहाँ भी अपने आप को साबित करते हैं। जो काम यहाँ पे तीसरा मोर्चा के रूप में बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, जो काम ताराचंद साहू नहीं कर पाए थे, जो काम अन्य जो है क्षेत्रीय दल नहीं कर पाए, वो अजीत जोगी ने किया और उन्होंने बताया कि वो विधायक जिता के ला सकते हैं अपने बलबूते पर, अपने दम पर, एक ऐसी पार्टी के बलबूते पर जिसकी छाप भी जो है जनता तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उनके 5 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अजीत जोगी कितनी बड़ी हस्ती थे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भीतर में। और मैं ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पे अब नेताओं का पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और उनके जो तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक जिनको भी ये सूचना मिल रही है वो अब अस्पताल पहुँच रहे हैं, नारायणा अस्पताल जहाँ पे वो 20 दिनों तक भर्ती रहे। उनकी जो है लगातार कोशिश ये रही कि उनको बचा लिया जाए, उनको वापस ले आया जाए, लेकिन अजीत जोगी लड़ते रहे जिंदगी और मौत के बीच, और 20 दिन बाद आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम कवायदे की जा रही थी, ब्रेन को एक्टिव किए जाने के लिए भी कई थेरेपीज दी जा रही थी, फिर लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, ऑक्सीजन दी जा रही थी, और ना केवल उनका मेडिकली ट्रीटमेंट किया जा रहा था बल्कि देश प्रदेश के उनके कार्यकर्ता चाहने वाले सभी लोग दुआएं कर रहे थे। लग रहा था कि इस बार भी अजीत जोगी मौत को मात दे देंगे और जिंदगी की जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 2004 की घटना जिसे भी याद है, 2004 में जो हादसा हुआ शायद उससे बड़ी घटना अजीत जोगी के जीवन में जो है कभी नहीं हुई थी, लेकिन वो वहाँ से जीत कर आते हैं, वहाँ से वो जिंदगी की जंग जीत कर आते हैं, वो वापस खड़े होते हैं और व्हील चेयर पर पूरी लड़ाई को लड़ते हैं। आप याद करिए, व्हील चेयर पर बैठे बैठे एक शख्स पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति को अपने हिसाब से चलाते रहते हैं, लेकिन 2020 में एक बार फिर से उनके ऊपर जिंदगी और मौत के बीच उनको जब जूझना पड़ा तो 20 दिन बाद वो अपने आप को वापस जिंदा नहीं ला पाए, वो चले गए हम सबको छोड़कर। और ये विश्वास करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिन्होंने जिंदगी की तमाम जंग जीती हो, जिन्होंने कई मर्तबा जो है मौत को मात दी, वो आखिरकार कैसे चले गए। हर किसी को यही लग रहा था कि जीवित अजीत जोगी एक बार फिर से जो है जिंदा होकर के लौटेंगे और वो राजनीति के मैदान पर होंगे, वो डटे होंगे और विधानसभा में उनकी जो है गूंज जो है सुनाई देगी, वो वापस जो है चुनावी मैदान में नजर आएंगी। ये तमाम चीजें जो है लोगों को लग रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और आखिरकार वो जो है 20 दिन बाद एक लंबी लड़ाई के बाद जिंदगी का जंग हार गए। बिल्कुल, वाकई में, और क्योंकि लंबे वक्त से बीमार थे, 20 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, इलाज चल रहा था। बड़ी खबर भी मिल रही है, आप बने रही है, हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि नारायणा अस्पताल में अजीत जोगी का पिछले 20 दिनों से इलाज चल रहा था, उनके दिमाग को भी एक्टिव किए जाने की कोशिश की जा रही थी, तमाम जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन वो तमाम कवायदे नाकाफी साबित होती हैं। हमारे साथ वैभव लगातार जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी से, और इस वक्त नारायणा अस्पताल में ही वो मौजूद हैं। वैभव, जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त अभी वहां पर किन किन की मौजूदगी देखने को मिल रही है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम यहां पे पहुंचे हुए हैं, काफी देर से मोहन मरकाम यहां पे हैं। जैसे उनको ये सूचना मिली कि अजीत जोगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उनको फिर से जो है अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट आया है उनको, जो कि पिछले 24 घंटे के भीतर में तीसरी बार था, तो लोगों लगा कि शायद अब अजीत जोगी की स्थिति बहुत गंभीर है। वापस जो है मोहन मरकाम अस्पताल पहुंचे हैं, और जो कि अंदर है कुछ मीडियाकर्मी जो है अंदर हैं जिनसे मोहन मरकाम बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब नेताओं तक ये सूचना पहुंचेंगी तो वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे।
फिलहाल मोहन मरकाम मौजूद हैं और अजीत जोगी की पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं धर्मजीत सिंह हैं, बाकी उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं वो मौजूद हैं। अजीत जोगी की जो पत्नी रेणु जोगी, उनके बेटे अमित जोगी अस्पताल में लगातार पिछले 20 दिनों से हैं और सबको यही लग रहा था कि हो ना हो अजीत जोगी देर सवेर जो है किसी भी सूरत हाल में वापस लौट आएंगे, वो इस तरह से नहीं जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन नियति जो है, जो तय किया गया है, जो चीजें तय है पहले से, उसके आगे हर शख्स जो है हार जाता है, फिर वो चाहे कितना बड़ा योद्धा ही क्यों ना हो। और अजीत जोगी आज अपनी जिंदगी की जंग जो है वो हार गए, ऐसे मौके पे जब शायद लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति को उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर आपको याद होगा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति बदली, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो है काफी दांव पेच और घुमाव है, तब लगा कि नहीं अजीत जोगी जैसे किसी हस्ती को जो है अब मोर्चे पे डटे रहना होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प क्या हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प अगर कोई हो सकता था तो वो अजीत जोगी था, और अजीत जोगी ने 2018 के चुनाव में इसको बखूबी दिखाया। और इस वक्त मोहन मरकाम जो है वो आ रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, क्योंकि मोहन मरकाम जो है उसी कांग्रेस पार्टी से आते हैं जिस कांग्रेस पार्टी से जो है अजीत जोगी ने अपनी राजनीतिक जो है जीवन की शुरुआत की थी। और उस राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत कुछ जो है पाया, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ भी दिया था। तो मैं आपको कुछ देर में जो है मोहन मरकाम से जो है बातचीत भी करवाऊंगा, और आपको मैं यही बता रहा हूँ कि अजीत जोगी है क्या। अजीत जोगी एक जो है साधारण सा आदिवासी बालक, जो कि पेंड्रा गौरेला मरवाही के जो है जिले से आते हैं, जोगीसार नामक एक गांव से, एक छोटा सा गांव, उस गांव में मैं गया भी हूँ, उस गांव से आते हैं जहाँ पे अभी भी उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, उनके पारिवारिक लोग उसी जो है साधारण जो है जीवन यापन को करते हैं। देखिए अजीत जोगी जो है एक तरीके से पूरे देश में आप ये सोचिए कि उनकी क्या शख्सियत है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य, कभी अजीत जोगी के जो अपने गांव के जो पारिवारिक सदस्य, उन्होंने अजीत जोगी को कभी नहीं बुलाया, वो आज भी उसी तरीके से जीवन यापन करते रहते हैं। और अजीत जोगी उसी साधारण पृष्ठभूमि से निकले और वो देश की राजनीति में छा गए, वो जो है प्रशासनिक गलियारों में छा गए। वो एक ऐसा बालक जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और उसके बाद फिर वो आईपीएस और आईएएस भी बन जाता है, और लंबे समय तक वो कलेक्टर भी करते हैं, और उसके बाद फिर वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। राज्यसभा से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की जब राजीव गांधी थे, राजीव गांधी की पसंद अजीत जोगी थे, और अजीत जोगी को जब राजीव गांधी अपने साथ लेकर आए तब वो गांधी परिवार के सबसे चहेते हो गए। और यही वजह है कि जब आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ का एक अलग राज्य बना, तब किसी चेहरे की तलाश थी, तो वो तलाश अजीत जोगी पर जाकर खत्म हुई थी। तब अजीत जोगी के राजनीतिक गुरु हुए अर्जुन सिंह अजीत जोगी को जो है कांग्रेस में लेकर आए, और अर्जुन सिंह की बदौलत वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बन पाए। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में रहे हैं और कई उतार चढ़ाव उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देखे हैं। एक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनने से लेकर उस पार्टी में उनको निष्कासित कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, और उसके एक साल बाद ठीक विधानसभा चुनाव होते हैं, और उस विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ उनका अलायंस होता है, उसमें से 5 जो सीटें जीत के आती हैं। मतलब संदेश साफ हो जाता है कि अजीत जोगी का जो करियर है पॉलिटिकल एक्टिव। मोहन मरकाम जी आ गए हैं। जी जी जी, ठीक है। मोहन मरकाम जी, अजीत जोगी का जाना छत्तीसगढ़ी नहीं देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। छत्तीसगढ़, मैं आपके पास आऊंगी, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमन सिंह जी, बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी 74 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। हम सबके लिए उनका निधन की सूचना निश्चित रूप से पीड़ाजनक भी है, और एक ऐसा मित्र हम सबको छोड़ के चला गया जो लगातार मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के
राजनीतिक यात्रा में कहीं ना कहीं हमारे सब साथ में रहे, और एक अद्भुत योद्धा जो जीवन भर संघर्ष करते रहे और संघर्ष के बाद अपनी जीवटता से हमेशा सफल होते रहे। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे देश में अपने समर्थकों के लिए बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति है, और मैं भी उनके प्रति उनके परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं कि ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा नुकसान है। उनको याद करते हैं, आपकी उनके साथ क्या कुछ यादें थी? हम लोगों के साथ साथ में काम किए जब वो पहले हर रूप में उनको देखा, कलेक्टर के रूप में देखा, मध्य प्रदेश में हम लोग साथ काम किए, फिर छत्तीसगढ़ में आने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही, तो अलग अलग भूमिका में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री बना तो निश्चित रूप से विपक्ष में रह के एक महत्वपूर्ण भूमिका में वो अपना दायित्व का निर्वहन करते रहे, तो हर रूप में देखा और हर रूप में उनकी जीवटता को देखा, संघर्ष करने की क्षमता को देखा, और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के प्रति अद्भुत प्रेम और लगाव उनके मन में था। जी कोई ऐसी याद जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप साझा करना चाहें कि आपके मन को सब आपके मन के दिल के करीब वो सबसे ज्यादा वो पल रहा हो? जब उनका एक्सीडेंट हुआ और मैं उस समय यहाँ से दूर चापा जहांगीर जिले के दौरे में था, मुझे पता चला उनका एक्सीडेंट हुआ है, तत्काल हम लोगों ने बातचीत किया और प्लेन और हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के लिए भाभी जी से बात किया, और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में दिल्ली मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि धन्यवाद डॉक्टर रमन। मैं कहा मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है, मगर उनके भावुकता देख के मुझे बड़ा वो लगा कि आज वो सुरक्षित है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कुंजी थी उस समय। अब जब आप विधानसभा की जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो डेफिनेटली जब आप अजीत जोगी जी की जगह को देखेंगे तो आप उनको मिस तो बहुत करेंगे। निश्चित रूप से जोगी जी को हम सब और पूरे छत्तीसगढ़ मिस करेंगे बहुत। जी और क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश कि जो छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में जो उन्होंने काम किया, छत्तीसगढ़ हमेशा ऐसे लोगों को याद करता रहेगा, और हर समाज के गरीब से गरीब, दलित से दलित, पीड़ित शोषित के लोग भी अपना नेता समझते थे, और बड़े से बड़े उद्योग जगत के लोग भी उनको जानते थे, और एक प्रकार से जानकारी और उनकी नॉलेज का एक इंसाइक्लो